शिवसेना यूपीटी ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले ही दिसंबर में कराया जाएगा। इसके लिए अभी से निजी छोटे विमान हेलीकॉप्टर बुक करने शुरू कर दिए गए। इस पर शिवसेना यूपीटी ने लिखा है कि बीजेपी चंद्रयान 3 से भी अपना प्रचार करे तो भी नहीं जीत पाएगी। सामना में आगे लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले ही दिसंबर महीने में कराया जाएगा। ऐसा दावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। चुनाव के प्रचार के लिए नवंबर दिसंबर महीने में देश के सभी हेलीकॉप्टर बुक करने की शुरुआत हो गई है। हम कहते हैं उन्हें जो चाहे वो करने दें, अगर वे चंद्रयान 3 लाकर उस पर सवार होकर भी प्रचार करें तब भी उनकी तानाशाही की पराजय अटल है। उनकी कुंडली में खींच तान कर लाए कि सत्ता योग की हवा निकल गई है। बीजेपी के सांसद डी अरविंद ईवीएम पर जो हैक का बयान दिया था उसके ऊपर भी सामना में कॉमेंट किया गया। इस पर सामना ने लिखा है कि इसका मतलब है कि सभी हेलीकॉप्टर्स के साथ लाखों ईवीएम भी भाजपा ने बुक कर रखे हैं, उसे लेकर भी उनका अलग खर्च और हिसाब होगा। शिवसेना ने लिखा है कि आप कितना भी कुछ भी बुक कर लीजिए फिर भी भ्रष्ट ईवीएम की छाती पर पैर रखकर तानाशाही की पराजय हुए बिना नहीं रहेगा। शिवसेना यूपीटी यही नहीं रुकी, बीजेपी पर तंज कसते हुए सामना ने लिखा कि सरकारी ज्योतिष आचार्य ने सलाह दी है कि मौजूदा लोकसभा की अवधि 2024 में खत्म होने से पहले मोदी शाह 2023 में लोकसभा चुनाव कराएंगे, पर 2024 हो या 2023 चुनाव कभी भी कराओ, तानाशाही रूपी हिरण्यकश्यप का अंत अब तय है। जनता जाग गई और वो किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।